बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कुछ गिफ्ट भी नहीं लिया। और आपको तो मुझे क्या चाहिए यार? हजम नहीं होता, सच हजम नहीं होता। अभी तो सच बता रही हूँ। तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। आज जो भी हो ना, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत। आप अच्छे कैसे हैं ना? ये चलो वीडियो बनाना। एकदम इंसान पूरा घिरी नहीं। बेचारे भैया का बर्थडे भैया के बर्थडे के नाम से सुनता ही नहीं है। जन्मदिन पापा जी, आज क्या है? अष्टमी। और तो अब मम्मी से भी थोड़े से सवाल पूछे जाएंगे। मम्मी सोने का टाइम हो गया। मैं मम्मी आज क्या है? अष्टमी। और उसको अष्टमी और भैया का बर्थडे। आज बेचारे भैया का बर्थडे आज क्यों रहा भैया के बर्थडे के नाम से? उनका दो बार बर्थडे आता है। तो मनता कौन सी बार में? दोनों बार ही बनाते हैं वो बेचारे। इस बार उपास के कारण बना नहीं पाए। नहीं, उनका ज्यादातर नवरात्रि में ही बर्थडे आता है। पर बनाते दोनों बार है। का मनाया? झूठ मत बोलो। 10 तारीख को भी पेड़ पड़ेगा वो। धनतेरस को क्या है? भैया का बर्थडे। उनके साथ पता है क्या होता है बेचारे के? तो एक तो तिथि पे जिसका बर्थडे होता है ना, उस बेचारे व्यक्ति का, चलो अगर ऐसे समय पे आए कि जिसमें हो जाता है, लेकिन भैया का ऐसा है कि धनतेरस के दिन पैदा हुए थे, तो जिस वो क्या बोल रही सुन क्या? हाँ दीदी आ जाओ, आओ। आज क्या है? इधर आओ। आज क्या है बर्थडे पापा का? क्या है? हैप्पी बर्थडे। क्या है बर्थडे पापा का? बर्थडे बर्थडे हैप्पी बर्थडे। क्या है? क्या है पापा का? तो उनके साथ हमेशा क्या चोट होती है? एक तो नवरात्रि पड़ जाती है, दूसरा धनतेरस पड़ जाता है। दोनों समय ऐसी ऐसे समय पे होती कि वो बेचारा उनका बर्थडे सेलिब्रेशन ही नहीं हो पाता। आइए, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप रील बनाने आई थी? अरे आज तो तैयार है, तो कह रही मैं तो रील बनाने आई थी। ऊपर बनाएंगे कमरे में। साड़ी उतार दे इनसे, बनवा लो। हम दोनों की एक रील बना दो। तो अब मम्मी से भी थोड़े से सवाल पूछे जाएंगे। मम्मी सोने का टाइम हो गया। मैं मम्मी आज क्या है? और उसके अलावा उनके जन्मदिन का क्या होता है बताओ? 22 अक्टूबर पहले धनतेरस को मनाएंगे। धनतेरस पहले 22 अक्टूबर को मनाएंगे। ऐसे करते करते ठंड नहीं पड़ जाती। मनता ही नहीं है जन्मदिन। पापा जी आज क्या है? और विक्की का जन्मदिन। फिर कैसा मनाते उनका जन्मदिन? अपन केक कटवा के मनवाते हैं। अष्टमी जी इसलिए नहीं, अब धनतेरस पे 22 अक्टूबर उस टाइम धनतेरस की पड़ी थी। हाँ। तो धनतेरस पे भी मनाते हैं। वैसे दो बार मनाते हैं। दो बार मनाते हैं। आज अष्टमी। आज पैसे लिए कि नहीं लिए? दे दिए। लेगा पैसे? हाँ। फिर धनतेरस पे और लेंगे? लेंगे, देना पड़ेगा। मेरे को दे दे। आज क्या है बर्थडे? बर्थडे किसका? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? पूछो ना, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होगी। मेरे को बोलना नहीं आता ना, मैं ब्लॉगर कौन हूँ। तो आज का जो मतलब वीडियो आ रहा है ना, वो मेरे हस्बैंड के बर्थडे से रिलेटेड वीडियो है आज का। आपका जन्म कब हुआ था? मेरा बर्थ डेट है 22 अक्टूबर और तिथि थी धनतेरस। अच्छा। जब मैं पैदा हुआ था उस दिन, मतलब तारीख थी 22 अक्टूबर, तिथि थी धनतेरस। तो घर वाले पता है हम लोग, मतलब मैं 22 अक्टूबर को मनाता हूँ। डिस्चार्ज हो गई। मैं 22 अक्टूबर, मतलब दो बार बनता मेरा बर्थडे, धनतेरस पे भी और आज भी। और कभी कभी ये होता है कि मेरा बर्थडे पहले, जब मैं छोटा था, शादी नहीं थी तो बनावटी बातें मत करो। पहले ऐसा अच्छे से बात करो जैसे करते हो। जब मैं छोटा था, घर वाले बोलते थे 22 अक्टूबर आती थी पहले, तो घर वाले बोलते थे अरे यार तेरा बर्थडे तो धनतेरस पे ना, जब बनाएंगे, अभी नहीं मना रहे, धनतेरस पे। फिर धनतेरस आती थी तो मैं बोलता था मेरा बर्थडे, तो घर वाले बोलते कि तेरा बर्थडे निकल तो गया, 22 अक्टूबर को था ना तेरा बर्थडे, तारीख तो निकल गई, तो इसलिए मेरा बर्थडे बनता ही नहीं था। और आज क्या हुआ? आज बहुत अच्छे से बर्थडे मना। आज अष्टमी का दिन था, मेरे व्रत चल रहा है, मैंने पूजा करी। इससे अच्छा बर्थडे नहीं बन सकता।
माता जी का आशीर्वाद लिया। मैं तो रात को केक ला रही थी तो इन्होंने मना किया कि मेरे अखंड उपास चल रहा है, मैं केक खाऊंगा नहीं। तो जब बर्थडे बॉय खुद केक नहीं खाएगा तो फिर क्या मतलब केक काटने से? मैं कैसे खा सकता हूँ केक? तो इसके कारण इनका जो है ना बर्थडे, वो तारीखों पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इधर की तारीख उधर की तारीख पे टल जाता है। ज़्यादातर तो नवरात्रि में ही आता है इनका बर्थडे। और धनतेरस पे आप लोगों को पता है इतना काम रहता है, और उस दिन कैसे मनाएंगे? तो तुम्हें और कोई दिन नहीं मिला पैदा होने के लिए? उससे पूछा नहीं था ना, उससे तो मैं बतला था पागल। छुट्टी वुट्टी में पैदा होना था ना, ऐसे दिन पैदा होते कि उस दिन एक ऐसा रहता ना कि उस दिन कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते अपन, ऐसे दिन पैदा होना था तुमको। नहीं कर सकते मतलब जैसे ना उस समय पे केक काट सकते, नहीं सेलिब्रेट कर सकते, ऐसे दिन पे पैदा होना था जिस दिन पूजा पाठ का वो नहीं होता कुछ। अच्छा। सिस्टम वो तो क्या रहता है तारीख। अब धनतेरस तो देखो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर बहुत मतलब कुबेर देव की पूजा होती है ना धनतेरस पे, लक्ष्मी जी की, कुबेर देव जी की पूजा होती है धनतेरस। मतलब 3 दिन पहले दिवाली का त्योहार चालू हो जाता है, छोटी दिवाली, धनतेरस, छोटी दिवाली, तो उस समय पे थोड़ा सा मतलब बर्थडे से ज्यादा महत्व घर की साफ सफाई में लगे रहते हैं। हाँ, घर का सामान, वो एक तो पकवान बनाना पड़ता है, टोकरे भर भर के पकवान। और वैसे भी अभी इनका व्रत चल रहा है तो इतने कमजोर हो जाते हैं, तो मैं इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ, फलाहार भी देती हूँ। फिर रात को ही आते तो एक गिलास भर के दूध भी लेके आती हूँ मैं इनके लिए। कल नहीं लाई थी, मेरे 9 दिन के व्रत थे, 1 दिन लाए थे ये दूध। बोल रहे दूध पी रहा हूँ, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं पी रहा, तो खुद पी गए, मेरे को नहीं पिलाया। और बोल रहे मैं दूध भी लेके आया, तो फिर मैंने बोल ही छोड़ ही दिया, बोलना आपको पीना, आप नीचे से पी के आ जाओ। मम्मी ने बोला निक्की के व्रत चल रहा तो उसके लिए एक गिलास दूध ले जाना गर्म करके। मैं बराबर दूध लेके आई अच्छे से बढ़िया गर्म करके, मैं इनके सामने ला के मैंने रखा, मैं ले लो दूध पी लो। मम्मी ने बोला एक गिलास दूध पी लो, तो बोले मैं नहीं पीऊंगा। एक ही बार तो पूछा आपने, वो तो पूछा नहीं पी लो तुम्हारा व्रत है पी लो, तो मैं फिर अब मैं मोबाइल चला रहा हूँ दूध पी रहा हूँ, मैंने नहीं, मैंने फिर मोबाइल रखा, मैंने पी लेता हूँ, देखा तो फिर गिलास खाली हो गया। गरम दूध ठंडा भी नहीं करा, मैं ठंडा करूंगी तो ये फिर बोली मैं पी के सो गई थी। लेकिन कुछ भी बोलो यार, क्या और कोई दिन नहीं मिला तुम्हें पैदा होने के लिए? इतने सारे कम है जो तुम मेरी टांग खींच रही हो सबके सामने। मैं टांग खींच रही हूँ? और कोई सा दिन क्या मेरे ऊपर है कि मैं कब पैदा हूँ? हाँ ये तो इनकी गलती नहीं है यार, इस चीज में तो मैं मानूंगी। देखो जो ये है ये पैदा हुए हैं अपने क्या बोलते हैं धनतेरस के दिन पर पैदा हुए, और लब्बाई मिल तो गया धन, काला धन नहीं, वाइट नहीं, वाइट वो मतलब मैं जो मुझे काला नहीं बोला। नहीं वैसे नहीं बोला, तो वो ब्लैक मनी व्हाइट मनी रहती है ना, इसलिए तो भी तो ब्लॉग चल रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तो आपका बर्थडे है, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? बस आप ऐसी खुश रहो। हाँ समझ के चलो, नीचे होने कुछ भी नहीं चाहिए, रहने दो, मना करते हैं उन्होंने, आप लोगों के सामने मना किया, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे मैं स्वस्थ रहूं। नहीं चाहिए चाहिए नहीं, मना हो गया, एक मौका मिलता है बस, नहीं एक मौका मिलता है बस बस खत्म। अरे यार बोल, नहीं बोलने दो यार, मेरा अभी बर्थडे है ना आज, मेरा ना बोला था पब्लिक के बीच में, जो बोल देते वो मिलता तुम्हें, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा तो मैंने देखो तुम्हारे लिए बोला ना, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो और सबको हंसाते रहो, बस मेरे सामने जबान बंद रखो प्लीज। तुम्हें कहां बोलते हो यार तुम, नहीं नहीं अरे कभी बोला मैंने तुम्हें कभी बोला कुछ? आपको ऐसा लगता है मैं इनको कभी कुछ बोलती होंगी? मेरे जैसा सीधा इंसान कभी दुनिया में कोई होगा ही नहीं, जलेबी जैसा, नहीं सच बता रही हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात पूछना थी तुमसे कि तुम्हें और कोई दिन पैदा होते नहीं मुझे उसी दिन होना था, धनतेरस में फोन पैदा होता है उसी दिन होना था मेरे को, तुम लोग सब काम में व्यस्त थे और मैं आ गया, किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा उस पर। बेचारों के साथ बहुत नाइंसाफी होती यार, या तो नवरात्रि में बर्थडे आ जाता उनका, और लव का बर्थडे आता है कड़वे दिनों में, नहीं उसका भी नवरात्रि में आ जाता है, कितनी बार नवरात्रि में भी लव का होता है, और ज्यादातर तो उसको उसी में ही आता है, त्योहार आगे पीछे 16 रात में आता है, कभी नवरात्रि पड़ जाती है, कभी ये बड़े बूढ़ों के दिनों में आता है,
मेरे को तो ये लग रहा है कल नौमी परसों दशहरा, दो तीन साल में दशहरे पे भी आ जाएगा। तब तो बिल्कुल सूट रहेगा यार, रावण रावण हूँ मैं, रावण जैसा सुता बेटा, रावण जैसा वो नहीं था कोई ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष नहीं था दुनिया में, बहुत ज्ञानी था वो, बस उसने किडनैपिंग करके बहुत गलत हरकत कर दी थी। रावण ने किडनैपिंग नहीं करना थी। आइए आपका इंतजार था, आइए आओ, कम ऑन कम ऑन बेबी कम ऑन। अरे पापा बोलो बेटा, आज आज मेरे पास आज क्यों पकड़ रहे यार। तो बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कुछ गिफ्ट भी नहीं लिया। और आपको तो मुझे क्या चाहिए यार, आप इतने लोगों को हंसा रहे हो, इतने लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना काम करने के बावजूद भी आप इतना मतलब कर रहे हो सब कुछ, तो बहुत अच्छा, मतलब मैं तो प्राउड करूँगा यार मेरी वाइफ का, आई प्राउड ऑफ यू, मेरे को गर्व है तुम। हजम नहीं होता सच, हजम नहीं होता। मेरे को क्या चाहिए सुनो तुम, पहले थोड़ी देर पहले बोला चलो बाबू प्रमोशन करवा लो मेरे संग, थकती वकती है कि नहीं अंकल जी, रात को 10:30-11 बजे कौन इतने बुरी तरीके से मुझे डांटा, मतलब बाबू चलो ले कुर्ता पजामा पहन लो, मैं साड़ी पहन लेती हूँ अपन प्रमोशन। पता है एक मैं आपको दिखाऊंगा अभी दुकान गया वो, कम से कम राखी, हाँ राखी पे एक कुर्ता टंग रहा है। पता है मैंने सब कपड़े अनवारी में रखे हैं, जब भी मैं आता हूँ ना रील बनाएंगे मुझे, बाबू कपड़े नहीं देखते नेक करो टी शर्ट, अरे वो टंगा कुर्ता पहन लो, वो कुर्ता जब से धुला ही नहीं है, ये कुर्ता उसको टांग ही रखा है, जैसे वो अपन जाते हैं ना एक्टर वगैरह रहते हैं जो मतलब क्या बोलते हैं वो रहते हैं ना किराए के जूनियर आर्टिस्ट, वो ट्रक भर के आते हैं कपड़े टंगे रहते हैं, धूल लग रहे हैं, ये भी पहन ले वो भी पहन ले, मतलब ऐसा टंग रहा है कुर्ता, जब भी बोल कपड़े नहीं है, तो मैंने आज कुर्ता ही छुपा दिया, देखो कुर्ता है ही नहीं, मैंने गाया भी कर दिया उसको, मिलेगा भी नहीं। मैंने तो अच्छे से आके बोला मैं बाबू चलो फलियार कर लिया तो चलो अपन वीडियो बनाते हैं, कितना बुरा दुख कर रहा मुझे। मैंने ये बोला था कि पागल पागल हो तुम, 10:30-11 बजे इस टोन में तो नहीं बोला था तुमने। हाँ मतलब तुमसे प्यार से और प्यार से बोला था, तो प्यार से भी ये पता है ये जो ये है ना बस, लेकिन मेरे को एक ही चीज की प्रॉब्लम है लेकिन सच बताऊं, थैंक यू। क्या है इधर वाला हाथ ऐसे दो ना, ये थैंक यू मेरी लाइफ में आने के, सच बता रही हूँ। तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए आज जो भी हूँ ना, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आप अच्छे हो ना तो इसलिए आपको सब अच्छे दिखते हैं, आप अच्छे हो मतलब नजरिया है आपका अच्छा। मैं आपसे देखो मैं नहीं कभी भी मैं बतला रहा हूँ मेरी बहुत अच्छे, मैं आज मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा दिल से, मेरी वाइफ इतनी अच्छी है कि मैं उसको कुछ भी बोलता ना वो बिल्कुल मना नहीं करती, हाँ सच में नहीं करती, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। मैं दिन में मैं को ऐसे मत उठाया करो ना, रील बनाओ मैं सो रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो ऐसे मत बोला करो, देखो नहीं डालती मेरा वो मेरी बात मानेगी मेरे को कभी, अब जब मेरा मूड अच्छा, मैंने धमकी क्या दी थी ये बताओ। हाँ मुझसे क्या बोलती, मैं फलार कर रहा तो अब चलो वीडियो बनाएंगे, मैं पागल पागल तुम इतनी रात में वीडियो, आज अगर वीडियो नहीं बनाई आज के बाद तुम्हें मेरे अपने अकाउंट में देखने नहीं दूंगी, और तुम्हारी आईडी भी डिलीट कर दूंगी। मेरी आईडी में कौन ऑपरेट करता, मैं आप लोगों को बता दूं। चुप। हाँ चलो बता बता, चलो बता। मेरी आईडी में ऑपरेट बिल्कुल, मेरे को तो पासवर्ड भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, इन्होंने मेरा अकाउंट खोला तो यही ऑपरेट करती है मेरी, मुझसे कब से बोल रहे हूँ तुम्हारी आईडी वापस कर दूंगी, नहीं करी। और उसमें जितनी भी वीडियो वो देख लेता हूँ बस, कि आज मेरे अकाउंट में क्या डाला है, क्या डाला वो यही डालते है ना, कोलैब करता कोई बस। लेकिन जो मैंने आप लोगों से कहा ना
सच था तो को विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन हो जाएगा। मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा इसने मेरी इन्होंने मेरी बात मानी कि नहीं मानी। क्या आप कभी मुझे फोर्स नहीं करोगे? मैं सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पता मैं सोता रहता हूँ तो मतलब सो रहा हूँ ना तो कैसे उठाते हो ऐसे, है ना? ये चलो वीडियो बनाना एकदम इंसान सो रहा घिरी नींद में एकदम उठ के वीडियो बनाना, और फिर मैं कभी खाना खा रहा हूँ तो चलो मतलब एकदम सरप्राइज, मतलब अपन ने कुछ और प्लान बना रखा है मैं खाना खाऊंगा फिर ऐसा करूँगा वैसा कुछ भी करो, हाँ जल्दी से कर लो फिर वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप लोगों से बोला था ना बहुत बात बना दी थी, अब नहीं बोलूँगी, अब जब मैं बोलूँगा ना जब बनाएंगे अपन वीडियो, ठीक है? पागल हो रहे हो क्या? पहले से मामा फिर आप पाँच सौ पैसा दस तरीके से